एकदम मस्त है। क्या बेस्ट लगा फिल्म में? फर्स्ट हाफ बेस्ट था फिल्म का, और बॉबी देओल का थोड़ा बहुत अच्छा लगा। मास मसाला कितने एंजॉय किया? पीपल आर सेइंग द मोस्ट वायलेंट फिल्म मेड इन द बॉलीवुड। मोस्ट वायलेंट तो नहीं बोल सकते, पर अच्छा था, बहुत मसाला था, बहुत वाचिंग। रणबीर कपूर के काम को काफी सराहा जा रहा है, वो बेस्ट काम है। मैसेज वगैरह क्या देती है? यू नो मैसेज तो नहीं है, मास कमर्शियल मूवी है, तो मास कमर्शियल के हिसाब से बहुत प्यारा, पैसा वसूल फिल्म है। जाओ देखो। 4.5। Is there any particular moment which you love the most? अभी 3.5 घंटे के पीछे पूरे फिल्म में रणबीर कपूर, और क्या सारे मोमेंट्स रणबीर के हैं। क्या बात है, he is one of the finest actors, so बहुत अच्छी लगी। उसको कैसी लगी एनिमल? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत अच्छी स्टोरी है, थोड़ी सी लेंदी है। इंटरवल के पहले तक काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, उसके बाद थोड़ा सा लगा कि हाँ ज़्यादा लेंदी लग रही थी। वॉयलेंस कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बात करें बॉबी देओल और आरके की फाइटिंग की, क्या कहना रहेगा? अच्छा अच्छा सीक्वेंस है, काफ़ी अच्छा, हाँ मज़ा आया। एक्शन कैसा लगा? एक्शन जो एक्शन वो वाला सीन था जो मतलब हमने ट्रेलर में देखा है, हाँ। जिसमें वो गन वाला सीन था, हाँ। वो काफ़ी अच्छा था। बाकी बॉबी और रणबीर की फाइट भी काफ़ी अच्छी, मज़ा आया। रश्मिका मंदाना और आरके की केमिस्ट्री कैसी लगी, जोड़ी कैसी लगी? ठीक थी, अच्छी थी, हाँ अच्छी थी। BGM की बात करें, गाने की बात करें, कैसे लगे? म्यूजिक काफ़ी अच्छा लगा, हाँ जो बैकग्राउंड स्कोर से काफ़ी अच्छे थे, हाँ। और बात करें डायलॉग की, डायलॉग कैसे लगे? बढ़िया, सब बढ़िया था। बढ़िया लगी, बढ़िया। क्या लगता है लोगों को पसंद आएगी? बिल्कुल आएगी, आइए बिल्कुल देखिए, अच्छी स्टोरी है, वन ऑफ अ काइंड स्टोरी है। मतलब ऐसी स्टोरी, मतलब ऐसी मूवी बॉलीवुड में मैंने अभी तक नहीं देखी है। जो वायलेंस और मतलब ब्लड व्लड से जिनको थोड़ा वो रहता है वो नहीं देखें तो अच्छा है। मस्त, बढ़िया। स्टोरी कैसी लगी? वायलेंस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बात करें बॉबी देओल और आरके की फाइटिंग कैसी बहुत लगी? अच्छा, बहुत अच्छा। व्हेन कबीर सिंह रिलीज, हाँ एवरीवन सेज कि कबीर सिंह इज अ वायलेंट फिल्म, हाँ। संदीप रेड्डी वांगा प्रॉमिस एवरीवन आई विल शो यू व्हाट वायलेंस इज नाउ ही शो, हाँ बहुत बहुत तगड़ा। BGM की बात करें, BGM कैसे लगे? बहुत हर चीज़, मतलब एक्टिंग रणवीर, हाँ रणबीर कपूर, बॉबी देओल का तो उतना नहीं था, हाँ। लेकिन रणबीर कपूर इज फैंटास्टिक, हाँ फेनोमिनल। बाकी बात करें रश्मिका मंदाना और आरके की केमिस्ट्री कैसी लगी? अच्छी है, सबकी अच्छी है, लेकिन जो रणबीर कपूर की एक्टिंग है ना, हाँ उसके आगे सब कुछ फीका है, बहुत तगड़ा। क्या लगता है उसमें एनिमल दिखाया गया क्या? एनिमल मतलब उसके लिए उसके फादर का प्यार था वो, हाँ आई थिंक, और जो चीज़ फिल्म में दिखाई गई है, जिस तरीके से दिखाई गई है, हाँ। जो डायरेक्टर का विजन जो है, हाँ। वो क्लियरली बहुत अच्छा है। क्या लगता है लोगों को पसंद आएगी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ में इसमें क्लैश भी हो रहा है, सैम बहादुर भी आई, क्या कहना रहेगा? सैम बहादुर भी अच्छी फिल्म है और ये भी अच्छी फिल्म है, और दोनों फिल्में देखनी चाहिए। और इसमें एक बॉन्डिंग का सीन दिखाया है बाप बेटे का, क्या कहना रहेगा इस पे? अच्छा था, मतलब मेरे हिसाब से जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जिस तरीके से दिखाई गई हैं, वो बहुत अच्छा था। डायरेक्शन की बात करें, अरे उसके मतलब इससे इनसे अच्छा डायरेक्शन मैंने अच्छा है मतलब, लेकिन ये जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो दिया है, हाँ तो ये बेस्ट है। चाहते थे 5 में से कितने रेटिंग से गए? 5 out of 5 आई थिंक। और लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप एनिमल देखिए, ये बहुत अच्छी फिल्म है, हाँ। और कंपैरिजन जो है सैम बहादुर के साथ, वो भी अच्छी फिल्म है, वो एक अलग जोन की फिल्म है, ये बिल्कुल अलग जोन की फिल्म है, तो प्लीज़ कम एंड वॉच एनिमल।